नमस्कार, मैं आपको आज सारंगी की ट्यूनिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें कितनी सारी स्ट्रिंग्स हैं, स्टील की स्ट्रिंग्स हैं और ये लेदर की तीन स्ट्रिंग्स हैं। ये जो तीन स्ट्रिंग्स हैं ये लेदर की हैं। सबसे पहले ये सबसे पतली स्ट्रिंग है, उससे ज़्यादा ये थोड़ी सी थिक है और ये थोड़ी सी और ज़्यादा थिक है। इसको हम सबसे पहले मिलाएंगे सा पर, और वेस्टर्न नोटेशन में जैसे हम सी कहते हैं तो इसको हम सी पे मिला सकते हैं। इसको हम मध्य सप्तक के सा पर मिलाएंगे सी पर। इसको हम मंद्र सप्तक के पा पर मिलाएंगे बेस में, और इसको हम मंद्र सप्तक के सा पर मिलाएंगे और ज़्यादा पूरा बेस सा नी धा पा सा नीचे तक सा तक मिलाएंगे। जब ये स्ट्रिंग सा पर मिल जाएगी तो इसमें से जो टोन निकलेगी जब हम इसको प्ले करेंगे सा की टोन निकलेगी, क्योंकि ये सा पर मिली है तो ये सा की टोन निकलेगी। लेकिन जब हम रे बजाएंगे तो हम अपनी फिंगर से इसको ट्यून करेंगे नेल्स के साथ, तो इसी तरह से गामा। इसको जब हम सा पर मिला लेते हैं तो फिर ये सा की टोन बन जाती है, और ये पा, और ये भी सा मंद्र सप्तक का। इसके बाद हम ये स्ट्रिंग देख रहे हैं, ये क्या है, सब स्टील की स्ट्रिंग्स हैं। इसको भी हम कैसे मिलाएंगे कि ये हम थाट पर मिलाते हैं। जैसे अगर हम बिलावल थाट बजा रहे हैं तो सभी शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन अगर हम भैरव राग बजा रहे हैं भैरव थाट तो उसमें फिर रे और धा कोमल होगा, तो हम उस राग के हिसाब से यहाँ पे रे कोमल मैच करेंगे। इसी तरह से जो ये स्ट्रिंग्स हैं ये भी उसी थाट की तरह ही मिलाई जाएंगी सा रे गा मा। जिस राग पे हम बजाना चाह रहे हैं सारंगी को उसी राग पर हम ये स्ट्रिंग्स मिलाएंगे। मान लो अगर हमारे राग में कोमल रे लग रहा है तो कोमल रे, कोमल गा लग रहा है तो कोमल गा ट्यून होगा, तीव्र मा लग रहा है तीव्र मा ट्यून होगा। कहने का मतलब ये कि राग के हिसाब से ये मिलाई जाएंगी ये भी, और इनको मिलाने के लिए ये एक टूल है। इस टूल से हम इसको, इस की को हम टाइट करेंगे लूज करेंगे, टाइट करेंगे तो ये स्वर ऊपर चढ़ेगा, और लूज करेंगे तो फिर स्वर उतरेगा। इसी तरह से हम ये बारी बारी सारे नोट्स मिलाएंगे सा रे गा मा पा, फिर इसको पा मा गा रे सा, और एक एक्स्ट्रा है तो फिर नी नी सा नी सा। अब उसके बाद एक स्ट्रिंग आप यहां पर देख रहे हैं जो सिंगल एक स्ट्रिंग है, इसको अपनी चॉइस के हिसाब से, किसी किसी सारंगी में तो ये नहीं होती लेकिन किसी किसी सारंगी में होती है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से हम इसको सा पर मिला सकते हैं बेस के, या हम इसको मंद्र सप्तक के पा पर मिला सकते हैं। इसको मिलाने के लिए यहां से हम इसको मिलाएंगे, उसके बाद आप देखिए जो ये स्ट्रिंग्स हैं जो ये नीचे, इसको मिलाने के लिए हम इसमें कोई राग पर नहीं मिलाना इसको, लेकिन जो हम सा की टोन, जिस स्केल पे हम सा की टोन रखते हैं उस सा पे मिला के उसके बाद कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, 12 के 12 स्वर इसमें हम मिलाएंगे। उसके बाद 2 सुर एक्स्ट्रा हैं तो तार सप्तक का कोमल रे, शुद्ध रे, वो हम अपने इसको मिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं आंचल थाट, ये सारे स्वरों को कवर कर लेता है। जब हम सारंगी की मींड लगाते हैं तो ये स्ट्रिंग्स हेल्प करती हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें से जो वाइब्रेशन निकलती है
वो अपने आप उसकी जो मीड की टोन है अपने आप बनती है। और अगर सारंगी पूरी तरह से राग पे ट्यून की हुई है तो जो राग हम बजा रहे हैं वो राग एकदम सुरीला बजता है, अच्छा बजता है, उसकी टोन अच्छी बजती है। देखिए इस टूल की मदद से, ये टूल एक मिलता है सारंगी के साथ, ये आपको लेना पड़ेगा। और इन जो स्टील की ये स्ट्रिंग्स हैं इसको मिलाने के लिए देखिए, अगर हम टाइट करते हैं तो स्वर ऊपर चढ़ता है और लूज करते हैं तो स्वर नीचे आता है। अब ये सा है, देखिए मैं टाइट करूँगा तो ये स्वर ऊपर जाएगा। ये सा पे हमने मिलाया, इसी तरह से हम रे पे मिलाएंगे दूसरी स्ट्रिंग, इसी तरह से गा मिलाएंगे हम, ये चढ़ गया स्वर, ये उतरा, बिल्कुल फाइन ट्यून करना है इसको। इसी तरह से मा पा, उसके बाद यहां पर पा, फाइन ट्यून करना है एकदम से, पा मा गा रे सा नी सा। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसको हम मिलाएंगे थाट पर, जो राग हम बजा रहे हैं वो जिस थाट का राग है हम उस पर मिलाएंगे, या हम पूरा पूरा राग पर भी मिला सकते हैं। अगर औड़ो जाति का राग है पांच सुरों का तो इसको हम पांच सुरों में मिलाएंगे, ये स्ट्रिंग ज़्यादा है तो सा को दो सा मिलाएंगे, दो रे मिलाएंगे, इस तरह से हम पांच सुर मिला सकते हैं। नहीं तो हम जिस थाट का वो राग है उस थाट पर मिलाएंगे तो संपूर्ण स्वर उसमें साथ के साथ स्वर आ जाएंगे। देखिए ये भी ऐसे ही इस टूल की मदद से हम मिलाएंगे, अब ये मिला हुआ है देखिए, बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग करेंगे इसकी। तार सब तक करें, सारे गामा पादानी सा